गाढ़वा हलके के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता की 63वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र और उद्योगपति आयुष गुप्ता द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब बड़ी संख्या में पहुंचे रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और लाडवा में उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा की है। अब उनके पुत्र और उद्योगपति आयुष गुप्ता ने अपने पिता को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्त का अब तक भी कोई विकल्प नहीं है, हमारी विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। रक्त का आज भी एकमात्र विकल्प रक्तदान है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। प्रति 3 मास में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करना कर सकता है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। हर महीने का एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह में, पंजाब हरियाणा यूपी में भी होता है, और जहाँ पे हम बेसिकली जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए हम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर आप में से किसी को भी ब्लड डोनेट करना है तो आप ठीक से खुराक अपनी खा के आएँ और रात को अच्छे से सो के आइए, और अपना आप हर 3 महीने बाद PRBC जो लाल खून होता है वो 3 महीने बाद आप दे सकते हैं। आपका 350 ml या 400 ml खून लिया जाता है, जिससे एक पीड़ित थैलेसीमिया बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। प्लस आप हर अपना लाल खून 3 महीने बाद और पीला खून हर 3 दिन बाद दे सकते हैं बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के, और एकदम हेल्दी भी रह सकते हैं। खून देने के आपको भी फायदे हैं, जैसे कि आपको एक सरकारी नंबर मिलता है, जिसके करके अगर आपको फ्यूचर में कभी खून की ज़रूरत पड़े तो आप वो नंबर दिखा के अपने परिवार वालों के लिए खून ले सकते हैं, और ये भला काम सही है। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे अभी लगा है कि थोड़ी जागरूकता कम है, लोग खून देने के लिए कम आते हैं, तो खून देने में ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। हम प्रॉपर सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, सारी नीडल्स स्टराइल होती है, प्रॉपर खाना वगैरह अवेलेबल होता है, अच्छे से स्क्रीनिंग होती है पेशेंट की, और अगर हमें उस स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में एक भी चीज़ कम लगे कि वो पूरी नहीं है तो हम उस इंसान का खून नहीं लेते। आपके कंफर्ट भी होता है सारा, और यहाँ हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है, अगर भगवान न करे अगर कभी कुछ हो भी तो हम संभाल सकते हैं उसको। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी के साथ। 18 साल के बच्चे भी दे रहे हैं, बुजुर्ग भी दे रहे हैं, तो सबको खून देना चाहिए हिसाब से। इस मौके पर लाडवा इलाके के गणमान्य लोगों ने आयुष गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राजेंद्र पाल गुप्ता जी की 63वीं जयंती है, इस पर आपके और एक रक्तदान शिविर लगाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि अंकल जी बहुत अच्छे नेक इंसान थे, समाज सेवी थे और एक निडर पत्रकार थे। उनकी याद में उनकी जयंती पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि एक नेक कार्य है और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को मैं यही कहूँगा कि रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे लोगों को, जो लोग मुसीबत में हैं उनको समय पे खून मिलने पर उनको सहायता मिलती है रोगों में लड़ने के लिए। सर्वप्रथम अंकल जी की जयंती पर उनको शत-शत नमन। आज आयुष गुप्ता जी की तरफ से अंकल जी की 63वीं जयंती पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। हम सभी से यही अपील करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसा भी नवीन जी ने बताया कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। हम सभी से यही अपील करते हैं कि रक्तदान से हमारे शरीर में कोई कमी नहीं पड़ती, हर 3rd महीना हमारा रक्त पूर्ण हो जाता है। आप सभी से निवेदन है कि इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जो लोग मुसीबत में हैं, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनकी सहायता करें। धन्यवाद। राजेंद्र पाल गुप्ता जी जो कि एक पत्रकार थे, उनकी स्मृति में आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और जब से उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद से ही हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं लाडवा में, और हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग सड़क हादसों में घायल होते हैं या डिलीवरी के समय में महिलाओं को रक्त की जरूरत पड़ती है उनको समय पे रक्त मिल सके, इसी मुहिम को लेके हुए हम ये कार्य करते हैं। पिछली बार भी हमने रक्तदान शिविर लगाया था, आज भी लगाया है, और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जो लोग इस खबर के माध्यम से हमें देख रहे हैं वो भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लें। कैंप 3 बजे तक चलेगा, जो भी लोग रक्तदान करना चाहते हैं वो आकर रक्तदान कर सकते हैं। टीम पीजीआई चंडीगढ़ से बुलाई गई है, जो कि रक्त दाता की जांच करके रक्त को लेने का कार्य करेगी।